हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जनरेट इमेजिनेशन। में आज आप लोग के साथ एक फैन फिक्शन माय सोलमेट एपिसोड 8 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो उसे पूरा वॉच करने की कोशिश कीजिए एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। अभी हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जब तेई जॉन जोंगकुक से उसके रूम में झगड़ा कर रहा होता है तो सुगा उसके मेंशन में आ जाता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। सुगा की आवाज़ सुनकर जोंगकुक थोड़ा सा घबरा जाता है एंड तेई को फिर से बेहोशी के मेडिसिन दे के उसे जेंटली अपने बेड पे सुला देता है एंड वो जोंगकुक सुगा से बात करने के लिए नीचे आ रहा होता है तो सुगा उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है उसकी ऐसी हरकतों की वजह से, क्योंकि वो किसी भी लड़की के साथ ऐसा होते हुए नहीं दिख सकता था। तो जॉन जोंगकुक उसे समझाता है एंड उस जब वो अपने लव को एक्सप्रेस कर रहा होता है सुगा के सामने, तब जोंगकुक की आंखों में प्योर लव दिखाई देता है, जिस चीज़ को सुगा समझ चुका था। एंड सुगा उसको कहता है, अगर तुम उसे सच में प्यार करते हो तो तुम उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे उसे हर्ट हो, तुम अभी उसको ले जा कह के सुगा वहाँ से चला जाता है एंड जोंगकुक तेई के लिए खाना लेके ऊपर जा रहा होता है। वो कमरे में जाके देखते हैं कि तेई बिस्तर से उठने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, जिसे देख वो बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है एंड उसकी मदद के लिए जाता है। लेकिन तेई तो गुस्से में उसकी मदद लेने से मना कर देता है, लेकिन जोंगकुक फिर भी उसकी मदद करता है एंड उसे बेड पे उठा के बिठा कर खाना खिलाने की कोशिश करता है। एंड नेक्स्ट उसके पेरेंट्स के घर, तेई के पेरेंट्स के घर बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं उसके पेरेंट्स, क्योंकि तेई अभी तक घर नहीं आया था और रात होने वाली थी। तो वो लोग सोचते हैं कि वो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करेंगे तेई की मिसिंग के।